हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं धीरज यादव यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स या फिर आकृतियों की गणना। अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इसका बेसब्री से इंतजार रहा होगा, और अगर मैं बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो जब हम लोगों ने क्या किया था एग्जाम यानी कि सिलेबस का हम लोगों ने क्या किया था एनालिसिस किया था, तो आप लोगों ने देखा कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में एटलीस्ट एक नंबर का क्वेश्चन तो देखने को मिल ही रहा था। यानी कि अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर महत्वपूर्ण ऑलरेडी हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें आपके अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स या फिर रेलवे की तो इन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम को छोड़ दें या फिर कुछ और एक दो एग्जाम्स को अगर हम छोड़ दें तो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पूछे जाने वाले प्रश्नों के ऊपर, तो देखिए बेसिकली आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और नंबर ऑफ स्क्वायर्स पर बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, बट कई बार आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ सर्कल्स और नंबर ऑफ लाइंस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल और स्क्वायर के साथ साथ हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ सर्कल और नंबर ऑफ लाइंस को भी डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि इन पर आधारित प्रश्नों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि ट्रायंगल्स गिनना। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक यहाँ पे आपको आकृति दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पे, और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो आप सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे त्रिभुज कितने हैं, एक। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी आकृति में मैं क्या करता हूं, एक इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो हमारा जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है, यानी कि हम बात करें काउंटिंग ऑफ फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें तो वह यहीं से स्टार्ट होता है। तो जो भी स्टूडेंट यानी जो भी बच्चे यहाँ पे पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड इमेजेस को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखिए स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अगर मैं पूछूँ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो बेसिकली जो बच्चा नया जुड़ा है हमसे या पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहा है तो बहुत सारे बच्चों का आंसर यहाँ पे क्या आया होगा, दो आया होगा, और बहुत सारे बच्चों का आंसर यहाँ पे तीन आया होगा। तो जिन भी बच्चों का आंसर यहाँ पे तीन आया वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपके तीन त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह तीन त्रिभुज कौन कौन से होंगे उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और वो शॉर्टकट अप्लीकेबल हो रहा है तो क्यों और कैसे हो रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक और आकृति दिखाई दे रही है, और अगर मैं यहाँ पे पूछूं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं तो शायद आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं और जानते हैं यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी और कैसे बन रही है और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या की तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से चार भागों में क्या कर लिया, विभाजित कर लिया है लाइनों के माध्यम से। तो हम लोग यहाँ पे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जानेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स की भी बात करेंगे यानी शॉर्टकट्स की भी बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आपके कॉम्प्लिकेटेड फिगर में भी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, वन फिगर ट्रायंगल्स की, यानी कि एक आकृति से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या की। तो एक आकृति से क्लियरली आप देख पा रहे हैं एक तो आपको मिल जा रहा है एक, और एक आपको मिल जा रहा है दो, यानी कि एक आकृति से बनने वाले अगर हम त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो क्लियरली देख सकते हैं आपको कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको दो त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्लीट ट्रायंगल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, कंप्लीट ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुल त्रिभुजों की संख्या की तो कितने हो गए, तीन हो गए। वो तीन त्रिभुज कौन कौन से, तो ध्यान दीजिए जब हमने कहा एक तो ये हो गया आपका एक, और फिर जब हमने आपसे कहा दो तो ये हो गया आपका दो,
और दोनों को मिला दें तो एक त्रिभुज, यानी कि यहाँ पे तीन त्रिभुज आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार यानी हम अगली आकृति की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वन फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले एक आकृति से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या की। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे वन फिगर ट्रायंगल्स की, तो ध्यान दीजिए एक दो तीन चार, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चार त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टू फिगर ट्रायंगल्स की, तो यहाँ पे देखिए दो फिगर को मिला करके कौन कौन से त्रिभुज आपके बन रहे हैं, तो एक तो बन रहा है एक और दो को मिलाने से, एक बन रहा है आपका दो और तीन को मिलाने से, एक बन रहा है आपका तीन और चार को मिलाने से। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप कि यहाँ पे दो फिगर से बनने वाले त्रिभुजों की अगर हम संख्या की बात करें तो कितने हो गए, तीन त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पे तीन आकृतियों को मिला के बनने वाले त्रिभुजों की संख्या की, तो ध्यान दीजिए एक दो और तीन को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज मिलेगा, दो तीन और चार को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, और इस प्रकार यहाँ पे बनने वाले त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो गई, दो, जो कि तीन आकृतियों को मिलाकर के हमें प्राप्त हुए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्लीट ट्रायंगल की, तो यानी कि इन चारों आकृतियों को अगर हम मिला दें तो एक हमें यहाँ पे कंप्लीट ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो गई, तो कुल संख्या हो गई यहाँ पे कितनी, 10। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कितनी, तो तीन। तो अब ध्यान दीजिए हमें करना क्या है, यानी कि हमसे अगर एग्जाम में इस प्रकार की आकृतियाँ पूछी जाएंगी तो हमें करना क्या है, यानी कि जितने भागों में विभाजित होंगी हमें सिंपली क्या कर लेना है, इन अंकों को या इन नंबरों को हमें क्या कर देना है, सिंपली जोड़ देना है, और हमें क्या मिल जाएगा, त्रिभुजों की कुल संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, यानी कि यह चार भागों में विभाजित है, तो हमें क्या कर देना था, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, उत्तर मिल जाएगा जो कि क्या है, 10। क्लियर? तो ये शॉर्टकट हो गया, शॉर्टकट कैसे अप्लीकेबल हो रहा है ये भी आप लोगों ने जाना। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ और एडिशन यहाँ पे करते हैं, यानी कि आकृतियों में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कैसे लाइन ड्रॉ करी थी, अभी हम लोगों ने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी थी, और अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए जब इस प्रकार के लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे किसी भी ट्रायंगल में, तो पहले आपको जितने त्रिभुज मिल रहे थे, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए पहले एक त्रिभुज था, जैसे ही हमने लाइन खींची यहाँ पे ये दो भागों में विभाजित हो गया, तो अभी हमको त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी मिल जाएगी, दो मिल जाएगी। यानी कि पहले जो संख्या थी और अभी हमने जितने भागों में विभाजित किया उससे हमें क्या कर देना है, यहाँ पे गुणा कर देना है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें अगली आकृति की, अगर हम इस आकृति की बात करें और आपसे पूछे यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या यहाँ पे अभी आपको कितनी मिल रही है, तो मिल रही है तीन। लेकिन जैसे हमने क्या किया, एक लाइन के माध्यम से इसको इस प्रकार से हमने विभाजित कर दिया, और अगर अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको सिंपली क्या कर देना था, मल्टीप्लाइड बाई टू, तो आंसर कितना हो जाता, सिक्स। क्लियर? सिक्स कैसे हो जाता, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, तीन तो हमें मिल जाते किससे, इस वाले भाग से, और तीन हमें मिलते किससे, इस वाले भाग से। तो यानी कि तीन तीन छः यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाते, त्रिभुज हो जाते। यदि मैं क्या करूँ, इसमें एक और लाइन ड्रॉ कर दूँ, यदि मैं इसमें एक और लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर देता हूँ, और अब मैं आपसे पूछूँ त्रिभुजों की कुल संख्या, तो त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, थ्री इंटू थ्री, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, तीन। और यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, नौ। यानी कि तीन आपको मिलेंगे कहाँ से, इस वाले भाग से, एक दो और दोनों को मिला के एक ट्रायंगल, तीन तीन ही मिलेंगे आपके इस वाले भाग से। यानी कि एक ये हो जाएगा ट्रायंगल, ध्यान दीजिए एक ये हो जाएगा ट्रायंगल, और एक ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल। क्लियर? और एक ये पूरा हो जाएगा आपका ट्रायंगल। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो एक हो जाएगा आपका ये वाला ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, और एक हो जाएगा आपका ये वाला ट्रायंगल,
दो और एक हो जाएगा इन सबको मिला दें तो। क्लियर? तो इस प्रकार आप देख सकते हैं त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 9। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे अगली आकृति की। अगली यदि मैं आकृति की बात करूं और अभी मैं आपसे पूछूं यहां पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि त्रिभुजों की कुल संख्या अभी तक कितनी हमें मिल रही है, 10। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया यहां पे, इस प्रकार से एक लाइन के माध्यम से इसको हमने क्या किया, विभाजित किया, तो हम ये देखेंगे कि यहां पे भी हमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलेंगे, तो यहां पे भी हमें 10 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलेंगे। यानी कि इसको हम जितनी बार विभाजित करते जाएंगे उतनी बार हमें क्या कर देना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखो फाइनल फिगर को यहाँ पे फाइंड आउट करें और यहाँ पे अगर हम देखें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, तो हमने इसको कितने भागों में बांट दिया, 1, 2, 3 और 4। तो हम पाएंगे कि एक भाग में मिल रहे थे हमें कितने, 10, और इस प्रकार से 4 भाग हैं, तो त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 10 × 4 यानी कि 40। क्लियर? तो इस प्रकार हम आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए और उसके बाद देखा जाए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं दी गई आकृतियों में। यदि मैं इस आकृति की बात करूं और यहां पे आपसे पूछूं कि दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ध्यान दीजिए इस वाले अगर हम पार्ट की बात करें तो 1, 2, 3, 4, तो यहां पे हमें मिल जाएंगे कितने, 10। इस वाले भाग की बात करूं तो 1, 2, 3, इस वाले भाग की बात करूं तो 1, 2, 3, और इस वाले भाग की बात करूं तो 1 और 2। करना कुछ नहीं, आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इस भाग से हमको मिल जाएंगे 10, इस भाग से मिल जाएंगे 6, इस भाग से मिल जाएंगे 6 और इस भाग से मिल जाएंगे 3। कैसे मिलेंगे, कौन कौन से भाग से मिलेंगे, तो फिर से समझ लीजिए। देखिए यदि मैं बात करूं इस हिस्से की, तो इस हिस्से से अपने को कितने मिल जाएंगे, 3। क्लियर? यदि मैं बात करूं इस हिस्से से अपने को कितने मिल जाएंगे, 6। क्लियर? यदि मैं बात करूं इस हिस्से से, तो इस हिस्से से भी कितने मिल जाएंगे, 6। और यदि मैं बात करूं इस पूरे कंप्लीट यानी कि बड़े वाले हिस्से से, तो इस हिस्से से मिल जाएंगे अपने को 10। वो 10 कौन कौन से होंगे, तो देखो इस प्रकार से यहां पे ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, ये हो गया आपका 4। 4 हो जाएंगे आपके 1 फिगर वाले ट्रायंगल। फिर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए 2 फिगर वाले, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। फिर मैं बात करूं 3 फिगर वाले, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 9 और एक पूरा ये 10। तो किसी भी हिस्से से आप अलग अलग करके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कर सकते हैं, जो कि आपको आवश्यकता नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, जितने यहाँ पार्ट्स होंगे उतने पार्ट्स का आप अलग अलग यहाँ पे डाटा निकाल के सबको जोड़ लेंगे, और अगर लाइन पूरी पूरी यहाँ पे आपको टच होती हुई दिखाई दे रही, तो सिंपली आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं त्रिभुजों की कुल संख्या की बात करूं, तो इस आकृति से हमें कितने त्रिभुज मिल जाएंगे, तो ध्यान दीजिए 10 मिल जाएंगे, फिर 6 16 और 6 22 और 2 24 और 1। इस हिस्से से मिलेंगे 10, इस हिस्से से मिलेंगे 6, 10 और 6 16, 16 और 6 22 और 3 25। यानी कि यहाँ पे हम बात करें इस आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या की, तो इस आकृति में हमें कुल कितने त्रिभुज मिल जाएंगे, 25। अगली पूछी गई आकृति में आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे कितने त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करेंगे आप लोग, फटाफट से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग मैच कराएंगे। क्लियर? चलिए तो 10 तो आपको मिल जाएंगे इस हिस्से से, 1, 2, 3, 4, 10 मिल जाएंगे इस हिस्से से, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 यहाँ से मिल जाएंगे, 6, 1, 2, 3 मिल जाएंगे यहाँ से और 1 मिल जाएगा यहाँ से। तो सिंपली देखें तो 1, 3, 6 10 और 10, तो देखिए यहाँ पे हो गया 20, 20, 6, 26, 26 और 3, 29 और 1, 30। यानी कि इस आकृति में अगर मैं पूछूं त्रिभुजों की कुल संख्या, तो कितनी हो जाएगी, 30। यानी कि यहाँ पे आपको 30 त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब यह आकृति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं।
यदि मैं इस आकृति में पूछूं त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, तो इससे पहले कि मैं इस आकृति को डिस्कस करूं, इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। जब कभी भी त्रिभुज के दो बिंदुओं से आपको इस प्रकार से लाइनें जाती हुई दिखाई देंगी और नंबर ऑफ लाइंस दोनों क्या है, इक्वल है, तो कुछ नहीं करना है। जितने ये पार्ट्स में डिवाइडेड है उसका आपको क्या कर लेना है, क्यूब कर लेना है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो तीन का क्या कर लेना है, क्यूब कर लेना है, विच विल बी इक्वल टू 27। और यहाँ पे आपको 27 त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे, क्लियर। वो 27 त्रिभुज कौन से होंगे उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, यानी कि छह यहां से मिल गए, छह यहां से मिल गए, छह यहां से मिल गए, तो कितने मिल गए हमें, 18 मिल गए। 18 के अलावा अगर हम बात करें जिन त्रिभुजों को हमने अभी तक काउंट नहीं किया है उनकी बात करें, तो देखो 18 प्लस एक 19, 19 प्लस एक 20, 20 प्लस एक 21, क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 21 प्लस एक 22, 22 प्लस एक 23, 23 प्लस एक 24, तीन और कौन से अन्य ट्रायंगल बन रहे हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करें, तो देखो 25, 26 और ये पूरा पूरा 27। तो यहाँ पे आपको मैं मल्टीपल अप्रोच बताने वाला हूँ, क्लियर। तो सबसे पहले अगर नंबर ऑफ लाइंस दो बिंदुओं से जा रहे हो और इक्वल हो, तो क्या कर लेना है, जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा उसका क्यूब कर लेना है। लेकिन जब इक्वल नहीं होगा तो क्या करना है, तो पहले मैं यहाँ पे काउंटिंग करके बताऊंगा, फिर आपको तरीका बताऊंगा शॉर्टकट कि आपको यहाँ पे कैसे काउंटिंग कर लेनी है, क्लियर। तो सबसे पहले तो देखिए, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे भी देखें एक दो तीन, तो इस हिस्से से मिलेंगे छह और इस हिस्से से मिलेंगे छह, क्लियर। अब जो ट्रायंगल काउंटिंग में रह गए, जो ट्रायंगल काउंटिंग में रह गए उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वो रहेगी आपका ये वाला, एक दो और ये तीन। यानी कि यहां पे अगर हम बात करें त्रिभुजों की कुल संख्या की, तो यहां पे आपको 15 त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को यह भी डाउट हो रहा होगा कि ये वाला काउंटिंग में रह कैसे गया, है ना। तो चलो इनका भी हम डाउट क्लियर कर देते हैं। देखिए, अब जिन भी बच्चों के मन में ये आ रहा है कि ये रह कैसे गया, तो जब हम छह और छह ट्रायंगल गिनते हैं, तो कौन कौन से छह ट्रायंगल की हम यहां पे गिनती करते हैं उसके बारे में हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला तो आप गिनते हैं ये एक, क्लियर। फिर आप गिनते हैं इसको दो, फिर आप गिनते हैं इसको तीन, यहां तक क्लियर। फिर अगर मैं बात करूं तो आप गिनते हैं देखो इसको एक, और गिनते हैं आप इसको दो, तो तीन और दो कितने हो गए, पांच। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप गिनते हैं इसको पांच और एक छः, क्लियर। तो ये छः निकल गए। अच्छा, बाकी के छः कौन से थे, तो उसको भी देख लो। ये था आपका एक, फिर ये था आपका दो, और ये था आपका तीन, तीन हो गए। तीन के बाद ध्यान दो, ये हो गया आपका चार, और ये हो गया आपका पांच, और छठवा कौन सा था, तो छठवा ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा यानी कि एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ये हो गया छठवा। तो इस प्रकार से आपको 12 मिले, और आपने देखा इस पूरी की पूरी काउंटिंग में हमने इन तीनों को कहीं पे भी काउंट नहीं किया, और ये तीन हमारे ट्रायंगल क्या कर गए थे, बच गए थे, क्लियर। तो इस प्रकार यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके शॉर्टकट अप्रोच की। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ फटाफट से, जिन लोगों को भी नोट करना हो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब शॉर्टकट अप्रोच की बात करें तो क्या कर लेना है आपको, जब कभी भी इस प्रकार की आकृति दिखाई दे, तो देखिए जो आप लोगों ने अभी तक सीखा है उसी कॉन्सेप्ट का आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। यहां से आपको पता है एक दो तीन और एक दो
तीन, इस प्रकार से पता है 6 यहाँ पे मिल जाएगा, 6 यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको क्या कर लेना है इसके अलावा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसके अलावा अगर आप ध्यान दें, अगर आप इसको बेस मान लें, इसको अगर आप बेस मान लें तो यहाँ पे आपको एक और दो, एक दो, एक और दो, यानी कि अगर आप इसको बेस, एक बार आपने इसको बेस माना तो आपको मिल गया कितने 12, और एक बार इसको आप अगर आप बेस मानते हैं तो यहाँ पे कितने जाएंगे 3, 3, 6, 3, 9, तो 12 और 9 कितने हो रहे हैं 21। अब आप ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या तो हमें कितनी मिली थी, तो हमें तो मिली थी 15, लेकिन यहाँ पे उत्तर आ रहा है 21। अब आपको क्या कर लेना है, तो ध्यान दीजिए इन दो बिंदुओं को छोड़कर, यानी कि एक यह बिंदु और एक यह बिंदु, इन दो बिंदुओं को छोड़कर बाकी के जो भी आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं उसको क्या कर देना है, इस संख्या में से घटा देना है। तो उन दो बिंदुओं की अगर हम बात करें तो उसके अलावा आपको यहाँ पे कितने बिंदु दिखाई दे रहे हैं, तो क्लियरली देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 21 में से आपको क्या कर देना था, 6 घटा देना था, और उत्तर क्या मिल जाएगा आपको 15। तो क्या यह यहाँ पे भी अप्लीकेबल आपको दिखा होता हुआ दिखाई देगा, तो बिल्कुल होता हुआ दिखाई देगा। चलिए देखते हैं, हमें पता है 6, 6, 12, 6, 18, तो हमें ऐसे मिल जाएंगे। और इन हिस्सों की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, कब, जब हम इसको क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। क्लियर, तो इस प्रकार देखेंगे 18 यहां से भी मिल गए, टोटल कितने हो गए 36। अब हमने कहा आपके इन दो बिंदुओं को छोड़ दिया जाए तो, यानी कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो देखो कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिंपली क्या करना है, -9 करना है, कितना जाएगा 27। तो बेसिकली ये आपको कब अप्लाई करना है, जब नंबर ऑफ लाइंस इक्वल नहीं होंगी तब। क्लियर, काउंटिंग कर लेते हो आप सो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको ये तरीका याद रखना है। और नंबर ऑफ लाइंस इक्वल होंगी तो इसको भी करने की आवश्यकता नहीं, सिंपली आपको क्या कर देना है, जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा उसका क्यूब। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ और यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि ट्रायंगल पर बेस्ड कुछ और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। तो जब हम बात करेंगे त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने और कैसे होंगे, तो ध्यान दीजिए जैसे कि आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा था और हमने यहाँ पे क्या किया, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। क्लियर, और जैसे हमने त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ड्रॉ किया तो ध्यान दीजिए ये अपने साथ साथ तीन और त्रिभुजों का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, यानी कि 1, 2, 3 आपको अतिरिक्त त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे 1+4 का रूल, यानी कि हम लोग 1+4 का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। जैसे ही त्रिभुज के अंदर आपको एक दूसरा त्रिभुज दिखाई देगा, हम लोग वहां क्या करेंगे, चार और त्रिभुजों को जोड़ देंगे, यानी कि एक त्रिभुज अपने साथ तीन नए त्रिभुजों को ले आता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि टोटल आपके पास चार नए ट्रायंगल्स बनते हुए आपको दिखाई देंगे। क्लियर, तो त्रिभुज के अंदर जब दूसरा त्रिभुज हम ड्रॉ करेंगे तो वह अपने साथ साथ तीन नए त्रिभुज, यानी कि उसको हम मिला दें तो चार अतिरिक्त त्रिभुजों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां पे अगर मैं आकृति में पूछूं त्रिभुजों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 5। बात कर लेते हैं हम यहां पे अगली आकृति की, तो यहां पे हमें क्या कर देना था, सिंपली 1+4+4, यानी कि ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और उसके अंदर एक और ट्रायंगल, तो यहां पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 9। क्लियर, चलिए यदि मैं इस आकृति में पूछूं त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, तो देखो 1+4+4+4, यानी कि सिंपली आप देख सकते हैं यहां पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, तो 13। यहां तक क्लियर, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे अगली पूछी गई आकृति की। अब इस आकृति को हल करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, यानी कि दो तरीके हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं, तो हम लोग किसी भी तरीके को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो हम दोनों ही तरीकों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले तरीके की, तो ध्यान दीजिए यदि मैं बात करूं इस हिस्से की, तो 1, 2 और 3, यानी कि हमें पता है इस हिस्से से हमें कितने ट्राइंगल्स मिलेंगे, तो इस हिस्से से हमें मिलेंगे 6 ट्राइंगल। फिर मैं यदि बात करूं इस हिस्से से, तो हमें पता है इस हिस्से से भी हमें मिलेंगे कितने, 6 ट्राइंगल।
और मैं यदि बात करूं इस हिस्से की, तो हमें पता है कि इस हिस्से से भी हमें मिलने वाले हैं कितने, 6 त्रिभुज। क्लियर? यानी कि इन तीनों हिस्सों की अगर हम बात करें तो इन तीनों हिस्सों से अभी तक हमें 18 त्रिभुज प्राप्त हो चुके हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस हिस्से की। इस हिस्से की यदि मैं बात करूं तो हमें पता है यहां पे हमें मिलेंगे कितने, 3 त्रिभुज। तो इस प्रकार हमें कितने, 21 त्रिभुज मिल चुके हैं। और अगर हम बात करें यहां पे एक और त्रिभुज की, तो एक ही आपका कंप्लीट ट्रायंगल, यानी कि इस प्रकार आप देखेंगे कि यहां पे आपको त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी मिल गई, तो आपको इस प्रकार यहां पे त्रिभुजों की कुल संख्या मिल गई 22। तो ये तो हो गया एक तरीका, यहां पे हम बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। चलिए, यदि मैं यहां पे दूसरे तरीके की बात करूं, तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जब हम लोग ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो 1 प्लस ट्रायंगल के अंदर कितना ट्रायंगल है, एक, तो मिल गए हमें कितने, 5 ट्रायंगल, तो यहां से मिल गए। अब इसके अलावा यदि हम बनने वाले त्रिभुजों की संख्या की बात करें, तो ध्यान दीजिए, इस हिस्से में 1 2 3, इस हिस्से की यदि मैं बात करूं तो 1 2 3, और इस हिस्से की बात करूं तो 1 2 3। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, हमें पता है कि यहां से हमें कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, 6, लेकिन हमको काउंट केवल कितने करने हैं, 5। क्यों 5 करने, क्योंकि जब हमने ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाया तो उसमें हम लोगों ने इस ट्रायंगल को ऑलरेडी काउंट कर लिया है, इसलिए हम ये कंप्लीट यानी कि इन तीनों फिगर को मिला के बनने वाले ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो बन तो रहे हैं 6, लेकिन हमें काउंट केवल कितने करने हैं, 5। तो इस प्रकार यहां से हमें मिल जाएगा 5। इसी प्रकार यहां पे भी बन रहे हैं 6, लेकिन जब हमने ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, तो इस वाले ट्रायंगल को हम ऑलरेडी गिन चुके हैं, तो यहां से भी मिलेंगे हमें कितने, 5, और इन द सेम वे यहां से भी मिलेंगे हमें कितने, 5। तो यानी कि यहां पे हमें कितने और मिल गए, 15। तो 5 प्लस 5 प्लस 5। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं इस वाले हिस्से की। तो इस वाले हिस्से की अगर हम बात करें, तो देखो 1 और 2 मिल तो रहे हमें 3 ट्रायंगल, लेकिन हमें काउंट केवल कितने करने हैं, 2। क्यों? क्योंकि जब हमने ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाया, तो ये वाले ट्रायंगल को हम ऑलरेडी क्या कर चुके थे, काउंट कर चुके थे। तो यहां पे हमें केवल और केवल कितना और ऐड करना है, 2। तो इस प्रकार देखेंगे, यहां से मिल गए हमें कितने, 15, यहां से मिल गए हमें 5, और यहां से मिल गए 2। टोटल की बात करें तो 22 त्रिभुज यहां पर हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अगली आकृति को आप लोग यहां पर फटाफट से हल करेंगे और त्रिभुजों की कुल संख्या बताएंगे। क्लियर? बनाइए फटाफट से। बनाइए। चलिए, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, तो दोनों ही तरीकों की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1 प्लस 4 के कॉन्सेप्ट से। 1 प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 4। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि हमें कितने त्रिभुज मिल गए, 13। फिर हम बात करेंगे इस हिस्से की, तो इस हिस्से से हमें कितने त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3। यानी कि अगर हम बात करें यहां पे, तो हमें 6 त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें कंसीडर केवल कितने करने हैं, कंसीडर हमें करने केवल केवल 5। इसी प्रकार इस हिस्से से भी अगर हम बात करें, तो इस हिस्से में हमें 6 त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम केवल और केवल यहां पर 5 त्रिभुजों को क्या करेंगे, गिनेंगे। और इसी प्रकार हम बात करें, तो इस हिस्से में भी हम केवल और केवल 5 त्रिभुजों को ही गिनेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे, तो यहाँ पे 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि 15, और हमें त्रिभुज यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे इस हिस्से की,
इस हिस्से में बन तो रहे हैं तीन त्रिभुज, लेकिन हमें गिनना कितना है, हमें केवल और केवल दो त्रिभुजों को ही क्या करना है, गिनना है। क्यों? क्योंकि हमने 1+4 के कॉन्सेप्ट में इस वाली आकृति को ऑलरेडी क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है। तो यहां पे हमें मिलेंगे 2+2+2 यानी कि 6। अब अगर हम यहां पे बात करें त्रिभुजों की कुल संख्या की, तो 13 और 15 कितने हो गए, 28, और 28 और 6 कितने हो गए, 34, यानी कि यहां पे आपको 34 ट्रायंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यदि मैं यहां पे आप लोगों से पूछूं कि पहले तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इसकी काउंटिंग करके बताना है कि यहां पे कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, तो ध्यान दीजिए पहले तरीके में आप क्या मिस्टेक करते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए पहले तरीके से हम लोग देखते हैं यहां पे कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, यानी कि इस पार्ट को मैं क्या कर रहा हूं, यहां से रिमूव कर रहा हूं। चलिए तो पहले तरीके की बात करें तो इस हिस्से से मिल जाएंगे 6, इस हिस्से से मिल जाएंगे 6, और इस हिस्से से मिल जाएंगे कितने, 6। क्लियर? फिर इस हिस्से से मिल जाएंगे अपने को 3, इस हिस्से से मिल जाएंगे 3, और इस हिस्से से मिल जाएंगे अपने को 3, फिर इस हिस्से से 1, 1, 1 और 1। क्लियर? तो ध्यान दीजिए 18 तो यहां से हो गए, यानी कि 6+6+6 से मिल गए 18। फिर यानी कि इस हिस्से की अगर मैं बात करूं, चलिए कलर चेंज कर देते हैं, अब मैं यदि इस हिस्से की बात करूं तो यहां से हमें मिल जाएंगे कितने कितने, तीन 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 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3+3+3। और अगर मैं बात करूं अब इन हिस्सों की, तो इन हिस्सों से मिल गए हमें कितने, 1+1+1, और एक ही आपका नीचे वाला ट्रायंगल। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो यहां तो हो गए 18, यहां हो गए 9, 18, 9, 27, और यहां हो गए 4 यानी कि 31। तो अभी तक हमारे पास केवल और केवल 31 ट्रायंगल्स ही हुए, जबकि हमें पता है कि यहां पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, 34 है। तो हम गलती क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिए आप क्या मिस्टेक करते हैं जब आप इस प्रकार से काउंटिंग करते हैं। तो जब आपने इन हिस्सों को गिना, यानी कि इस हिस्से की अगर मैं बात करूं, जब आपने इन हिस्सों को गिना, इसको गिना और इसको गिना, तो ध्यान दीजिए इन तीनों को मिला के बनने वाले कंप्लीट ट्रायंगल को आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया। यानी कि एक तो हो गया ये, दूसरा जब आपने इसका वाला एक गिना, इसका एक गिना, इसका एक गिना, तो इन तीनों को मिला के बनने वाले एक ट्रायंगल को आपने छोड़ दिया, तो ये हो गया आपका दूसरा ट्रायंगल। और जो तीसरे ट्रायंगल को आपने छोड़ा, तो जो क्या था, एक आपका कंप्लीट ट्रायंगल था जिसको आपने ऑलरेडी छोड़ दिया। तो इस प्रकार आपने तीन ट्रायंगल्स को गिनती में नहीं लिया, जिसकी वजह से आपका उत्तर गलत आ रहा था। यानी कि यहाँ पे हमको और क्या करना था, +3 कर देना था। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे भी उत्तर कितना मिल जाएगा, 34। तो अभी आपके पास यहाँ पे दोनों ही तरीके हैं, किसी भी तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं और किसी भी तरीके से आप यहाँ पे उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ और प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे भी हम लोग कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो करने वाले हैं, 1+4, या फिर आपके पास दूसरा तरीका भी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। 1+4 की बात करें तो देखो 1+1 ट्रायंगल तो एक बार लिखेंगे 4, दूसरा ट्रायंगल तो अगेन यहाँ पे क्या कर लेना था, +4, और तीसरा ट्रायंगल तो अगेन क्या कर लेना था, +4, यानी कि अभी तक त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 13। फिर हम बात करेंगे इस हिस्से की, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, हमें पता है कि इस हिस्से में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो इस हिस्से में बन रहे हैं 12 त्रिभुज, लेकिन हमें गिनना कितने हैं, हमें केवल और केवल 11 गिनने हैं। क्यों? क्योंकि इस हिस्से को हम 1+4 के कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो 11 इस हिस्से से मिल जाएंगे हमको, 11 मिल जाएंगे इस हिस्से से, यानी कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, और 11 ही त्रिभुज हमें मिल जाएंगे इस हिस्से से, यानी कि 1, 2, 3 और 1, 2, 3। क्लियर? इन हिस्सों की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे देख पा रहे हैं 1, 2, 3 बन रहे हैं कितने, 6, लेकिन काउंटिंग केवल कितनी करनी है हमको, 5 की करनी है। और इन हिस्सों की बात करूं तो 1, 2 बन रहे हैं 3, लेकिन गिनना कितने हैं, केवल और केवल 2। तो चलिए अब सबको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इस हिस्से से 11, तो यानी कि कितने हो जाएंगे, 11+11+11,
यानी कि यहाँ पे हमें मिल गए कितने, 33 ट्राइंगल्स। फिर इस हिस्से की अगर हम बात करें तो इस हिस्से से हमें मिल गए 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि 15 ट्राइंगल। और फिर हम बात करें तो इन हिस्सों की, तो यहाँ पे मिल गया हमें 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 6 ट्राइंगल। अब अगर हम यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या की बात करें तो देखो 15 और 13, 28, 28 6, 34, 34 3, 37 और 30, 67, यानी कि यहाँ पे हमें 67 ट्राइंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। बात कर लेते हैं हम इसी प्रकार एक और बनने वाली आकृति की। तो यहाँ पे केवल मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ही कैलकुलेट करने वाला हूँ, ड्रॉ करके बताने वाला नहीं हूँ। फटाफट से इसको आप लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि इस प्रकार देखोगे तो 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, इस प्रकार मिल गए आपको कितने, 17 ट्राइंगल। फिर इन हिस्सों की बात करें तो ध्यान दो, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 और 3, यानी कि बन तो रहे हैं 18, लेकिन हमें काउंटिंग कितने की करनी है, तो 17 की करनी है। तो इसी प्रकार तीनों में 17 17 मिलेंगे, तो 17 प्लस 17 प्लस 17 विच विल बी इक्वल्स टू 51। फिर इन हिस्सों की बात करें तो 1 2 3, 1 2 और 3 बनेंगे कितने, 12, लेकिन हमें कंसीडर कितने करने हैं, 11। तो इसी प्रकार 11 इस हिस्से से भी और 11 इस हिस्से से भी। क्लियर। तो इन तीनों हिस्से से हमें कितने मिल जाएंगे, 11 11 और 11 ट्रायंगल। क्लियर। तो हो जाएगा 11 प्लस 11 प्लस 11 इक्वल्स टू 33। और अगर हम बात करें इन हिस्सों की, तो देखो 1 2 3 बन रहे हैं 6, लेकिन गिनना कितना है, 5। तो 5 प्लस 5 प्लस 5, इस प्रकार से हमें मिल जाएगा कितना, 15 ट्राइंगल। और बाकी आपको कोई काउंटिंग नहीं करनी है। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो 17 और 33 की अगर हम बात करें तो हो गया आपका 50, और 51 हो गया आपका 101 प्लस 15 करोगे तो 116, यानी कि इस आकृति में आपको 116 त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगली आकृति की। इस पर्टिकुलर अगर हम बात करें फिगर की, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है इसकी अगर हम बात करें, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले मैं हम लोग इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं, और फिर शॉर्टकट तरीका भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे अप्रोच रखना है काउंटिंग करते टाइम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। और एक और ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो एक आपका ये कंप्लीट ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कुल ट्रायंगल कितने हो गए यहाँ पे, 13। तो क्या एग्जाम में हम इस तरीके से बनाएंगे, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे दो तरीके हमारे पास, फॉर्मूले को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला। फॉर्मूले में क्या होगा आपके पास, आपको ऑड के लिए अलग फार्मूला और इवन के लिए अलग फार्मूला, यानी कि बेस पे अगर ऑड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे तो अलग फार्मूला और इवन होंगे तो अलग फार्मूला, तो मैं उसको डिस्कस करने वाला ही नहीं हूँ यहाँ पे। बिल्कुल आसान सा अप्रोच हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए जब भी इस प्रकार की आपको आकृति दिखाई देगी तो आपको क्या कर लेना, सबसे पहले ये देख लेना है कि बेस पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो बेस पे आपको यहाँ पे कितनी संख्या दिखाई दे रही, 3, यानी कि 1 2 3 इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब एक के सामने में हम क्या लिखेंगे, 1, फिर 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इन सब को हमने जोड़ लिया तो कितना मिल गया, 10। अब क्या करना है, लास्ट वाले को कंसीडर नहीं करना है, फिर अल्टरनेट हमें कंसीडर करते चले जाना है। तो 10 में केवल और कितना जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे, 3 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 13। जिन लोगों को भी यहाँ पे समझ में नहीं आया, अगली आकृति में क्लियर करने वाला हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या बेस पे कितनी है, तो 4 है, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर 1 के सामने में 1, 1 प्लस 2 करोगे 3, 3 प्लस 3 करोगे 6, और 6 प्लस 4 करोगे कितना, 10। सबको जोड़ लिए तो कितना मिल गया, 20।
फिर हमने कहा लास्ट वाले को कंसीडर नहीं करना है और अल्टरनेट कंसीडर करते चले जाना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 20 के बाद कितना और जोड़ना है, तो 6 और 1 7 जोड़ना है। तो यहाँ पे त्रिभुजों की अगर हम कुल संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 27, यानी कि 27। आप लोगों को क्या करना है, अगली आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। फटाफट से सभी लोग आंसर निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए बेस पे कितने ट्रायंगल है, 5। तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। एक के सामने में 1, 1 प्लस 2 करोगे 3, 3 प्लस 3 करोगे 6, 6 प्लस 4 करोगे 10 और 10 प्लस 5 करोगे 15। इन सभी को जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। फिर हमने कहा लास्ट वाले को कंसीडर नहीं करना है और अल्टरनेट कंसीडर करते चले जाना है। तो यहाँ पे 35 में कितना और जोड़ोगे, 10 प्लस 3 यानी कि 13 और जोड़ दोगे। तो इस प्रकार यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी मिल जाएगी आपको, 48। और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरी बनने वाली आकृतियों की, यानी कि त्रिभुज पर ही बेस्ड और जो आपकी आकृतियाँ पूछी जाती हैं उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो जब आपसे इस प्रकार से स्क्वायर के अंदर त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है तो आप यहाँ पे कैसा अप्रोच रखना है आपको, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो, जब भी इस प्रकार से आपसे आकृति पूछी जाएगी तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, 5, 6, 7 और 8। अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो शॉर्टकट सिंपली ये है कि जितने भागों में ये विभाजित है आपको उसका क्या कर लेना है, डबल कर लेना है, यानी कि 8 भागों में विभाजित है। तो यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी जिज्ञासा होगी कि वो 16 त्रिभुज कौन कौन से होंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वन फिगर ट्रायंगल्स की, यानी कि एक आकृति से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या की। तो 1 से लेकर के 8 तक में आपको एक आकृति वाले 8 त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दो फिगर से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या की। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 और 3 को मिलाने से एक त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई देगा, 4 और 5 को मिलाने से एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा, 6 और 7 को मिलाने से एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा, और इसी प्रकार 8 और 1 को मिलाने से एक त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार आपके पास यहाँ पे 4 त्रिभुज हो गए। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको 4 फिगर को मिलाने से आकृतियां त्रिभुज की बनती हुई दिखाई देंगी। तो वो कौन कौन सी हैं, तो ध्यान दीजिए 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार 6, 7, 8 और 1, और इसी प्रकार 8, 1, 3, 2। और मैं बात करूं तो 4, 5, 6, 7, यानी कि 4 आपको मिल गए 4 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 4, 4, 8 यहाँ मिल गए और 8 यहाँ मिल गए, यानी कि त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो गई, 16। क्लियर। चलिए अब जब यह कितने भागों में विभाजित है, 7 भागों में विभाजित है, तो यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या इस बार कितनी हो जाएगी, 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब किसी ने कहा यहाँ पे भी हम जानना चाहते हैं कि वो त्रिभुज कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए फटाफट। अगर हम बात करें यहाँ पे एक फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की, तो 1 से लेकर के 7 तक में आपको क्या मिलेंगे, 7 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 2 फिगर से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या की, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 फिगर से कौन कौन बन रहे हैं, तो 3 और 4 को मिलाने से 1 बन रहा है, 5 और 6 को मिलाने से 1 बन रहा है, और इसी प्रकार 7 और 1 को मिलाने से 1 बन रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे बन गए आपके पास 3 त्रिभुज। क्लियर। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे 3 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की, यहाँ पे आपको 3 आकृतियों से भी मिलकर ट्रायंगल्स बनते हुए दिखाई देंगे, और वो ट्रायंगल कौन कौन से हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिए 2, 3 और 4 को मिलाएंगे तो 1 ट्रायंगल, और दूसरा अगर हम बात करें तो 7, 1, 2। क्लियर। और अगर हम बात करें यहाँ पे 4 फिगर वाले, तो 4 फिगर वाले भी आपके यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे, कौन कौन से, 3, 4, 5, 6, और इसी प्रकार हम बात करें तो 5, 6, 7 और 1। क्लियर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि त्रिभुजों की कुल संख्या की बात करें तो यहाँ पे हो गया आपका
दो ट्राइंगल, यहाँ पे हो गया आपका दो ट्राइंगल, तो 7, 3, 10 और 4, 14, यानी कि ये 7 भागों में विभाजित है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए, 14। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे बताने का मेन मोटिव क्या था आप लोगों को, कि ये कहाँ तक वैलिड होगा, जब ये 6 भागों में विभाजित है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, 12। जब यह 5 भागों में विभाजित है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, 10। जब यह 4 भागों में विभाजित है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, 8। और जब यह 3 भागों में विभाजित है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिए यहां पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके 6 नहीं होंगे। तो जब ये दोनों डायगोनल्स अगर आपके डायगोनल क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, डायगोनली अगर ये टच कर रहे हैं तभी आपका फॉलो करेगा रूल, अदरवाइज ये फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें त्रिभुजों की संख्या की, तो ध्यान दीजिए 1, 2, 3, यानी कि इस हिस्से से मिल जाएंगे आपको कितने, 3 त्रिभुज, और इस हिस्से से मिल जाएंगे 1, यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो 4। और इसी प्रकार जब आपका 2 भागों में विभाजित है तो यहाँ पे आपको 4 नहीं मिलेंगे, केवल और केवल आपको यहाँ पे 2 त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे, जो कि क्या है, 1 और 2। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे, जब हम इस प्रकार की दो आकृतियों को मिलाएंगे तो वहां पे कितने अतिरिक्त त्रिभुजों का क्या होगा, निर्माण होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इस आकृति की। तो हमें पता है कि इसके अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, यानी कि इस हिस्से की बात करें, तो इस हिस्से में हमें मिल जाएंगे कितने त्रिभुज, तो इस हिस्से में हमें मिल जाएंगे 16 त्रिभुज। और अगर हम बात करें इस हिस्से की, तो इस हिस्से में भी हमें कितने मिल जाएंगे, 16 त्रिभुज। लेकिन इन दोनों को मिलाने से अतिरिक्त कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए 16 तो हमें पता है, 16 के बाद देखिए कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये एक बन रहा है आपका 17, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है 18। क्या इसके अलावा भी कोई त्रिभुज बन रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ये हो गया आपका 19 और 20, और प्लस दूसरे का आप 16 ले लीजिए तो 36, यानी कि आप देख सकते हैं कि बन रहे थे 32, जो बेसिकली बन रहे थे वो कितने बन रहे थे, 32 त्रिभुज बन रहे थे, उसके अलावा 4 अतिरिक्त त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जब इस प्रकार से 8-8 के भाग में बटे हुए दो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर्स को मिलाएंगे, तो यहाँ पे 4 अतिरिक्त त्रिभुजों का निर्माण होगा। जबकि हम अगर बात करें इस प्रकार से, हम 4-4 के पार्ट में बटे हुए दो स्क्वायर्स को मिलाते तो यहाँ पे केवल और केवल 2 अतिरिक्त त्रिभुजों का क्या होता, निर्माण होता। यानी कि फर्स्ट हाफ से मिल जाते हमें 8, सेकंड हाफ से हमें मिल जाते 8, और इन दोनों को मिलाने से जो अतिरिक्त 2 त्रिभुज मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, तो ध्यान दीजिए 1 और ये वाला 2। तो जब 4 के भाग में बटेगा तो 2 अतिरिक्त त्रिभुज, और जब 8 के भाग में बटेगा तो 4 अतिरिक्त त्रिभुज आपको बनते हुए दिखाई देंगे। चलिए फटाफट से बताइए यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुजों की कुल संख्या। तो हमें पता है इस वाले हाफ की अगर हम बात करें, यहाँ 8 भागों में बटा है (2), ये भी 8 भागों में बटा है (2), ये भी 8 भागों में बटा है तो (2), और यह भी 8 भागों में बटा है तो (2)। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमें अभी तक कितने यहाँ पे त्रिभुज मिल गए, तो इस प्रकार हमें मिल गए कितने, 64। अब यहाँ पे अतिरिक्त बनने वाले त्रिभुजों की संख्या की अगर हम बात करें, तो देखो इसको और इसको मिलाने से हमें मिल जाएंगे 4, इसको और इसको मिलाने से मिल जाएंगे हमें 4, और इसको मिलाने से हमें मिल जाएंगे 4, यानी कि हमें कितने अतिरिक्त त्रिभुज मिलने वाले हैं यहाँ पे, तो हमें मिलने वाले हैं 12 अतिरिक्त त्रिभुज। वो 12 अतिरिक्त त्रिभुज कौन कौन से होने वाले हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इन त्रिभुजों की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो ये हो गए। अब देखिए ये हो गया आपका 7,
ये हो गया आपका 8। ये हो गया आपका 9। चलिए अब देखिए, ये हो गया आपका 10। ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 12। तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप आसानी से यहाँ पे काउंटिंग कर सकते थे, लेकिन आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो अतिरिक्त आपके त्रिभुज कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि आपको 12 अतिरिक्त त्रिभुज मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम बात करें त्रिभुजों की कुल संख्या की तो कितने हो जाएंगे, 76। क्लियर। चलिए बात कर लेते हम लोग यहाँ पे अगली आकृति की। अगली अगर हम आकृति की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो ध्यान दीजिए, इसको अगर हम दो अलग अलग आकृतियों में क्या करें, विभाजित करें, यदि मैं इस आकृति की बात करूं और यहाँ पे मैं बात करूं कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं, हमें पता है यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, 8 भागों में विभाजित है, और जितने भागों में विभाजित होता है संख्या क्या होती है, उसके दुगनी होती है। और इसी प्रकार मैं यदि इस हिस्से की बात करूं तो हमें पता है इस हिस्से में भी त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है इस हिस्से में भी त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो 16 यहाँ पे मिल गए, 16 यहाँ पे मिल गए, तो यहाँ से तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो रही है, 32 हो रही है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, जब हमने क्या किया, इन दोनों आकृतियों को क्या किया, आपस में मर्ज किया, तो यहाँ पे कुछ अतिरिक्त त्रिभुजों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। वो अतिरिक्त त्रिभुज कौन से हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें तो ध्यान दीजिए, जैसे इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि यहाँ पे इस हिस्से में आपको 3 अतिरिक्त त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस हिस्से में आपको 3 अतिरिक्त त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस हिस्से में आपको 3 अतिरिक्त त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस हिस्से में भी आपको 3 अतिरिक्त त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको 32 प्लस 12 यानी कि कुल 44 त्रिभुज बनते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दी गई आकृति में। तो इस आकृति की अगर हम बात करें यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आपको 44 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर। चलिए बात कर लेते हम लोग यहाँ पे अगली पूछी गई आकृति की। तो अगली आकृति में क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि हम इस हिस्से से बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इस हिस्से से हमें मिल जाएंगे कितने त्रिभुज, इस हिस्से से हमें मिल जाएंगे 16 त्रिभुज। इसके अलावा हम बात करें यदि इस एडिशनल पार्ट की, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, इन दोनों को मिला दें तो हो गया 3, यानी कि इस हिस्से से हमें कितने मिल गए, 3। अब इसके अलावा इन दोनों को मर्ज करने से अतिरिक्त हमें कौन से त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर हमें यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक तो हो गया ये और दूसरा हो गया ये। तो आपने देखा कि 16 तो हमें यहां से मिल गया, और ऊपर ये वाली आकृति के आने से हमें 3 के साथ साथ 2 और अतिरिक्त त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 16 और अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 19, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 19। क्लियर। चलिए इस आकृति की अगर हम बात करें तो हमें पता है इस आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या अभी अभी हम लोगों ने निकाली है कितनी थी, 32 प्लस 12 44। और इस आकृति के जुड़ जाने से यहां पे कितने अतिरिक्त त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, हम बात करें तो 3 तो यहीं से मिल जाएंगे, 3 के बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 5, यानी कि 44 प्लस क्या कर देना है अपने को, 5 कर देना है। तो त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी बन रही है, तो त्रिभुजों की कुल संख्या बन रही है 49। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ध्यान दो यहां पे किया कुछ नहीं गया है, बस आपके इसी आकृति में क्या किया गया है, इसी आकृति में इन दो अतिरिक्त भागों को आपके जोड़ दिया गया है।
तो हमें पता है इन भागों के अलावा अभी तक हमारे पास कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स थे, तो हमारे पास थे 49 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब इन दो अतिरिक्त भागों के आ जाने से कितने नए त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, यदि हम इसके बारे में बात करें तो ध्यान दीजिए, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यानी कि ये हो गए आपके दो अतिरिक्त त्रिभुज। इसके अलावा कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, यदि हम उसके बारे में बात करें तो देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो इस प्रकार से दो और त्रिभुज हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए कौन कौन से बन रहे हैं, तो ये बन गया एक, ये बन गया दो, यानी कि दो और बन गए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ही आपका कंप्लीट, यानी कि प्लस वन। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 49 के अलावा हमें यहाँ पे कितने, सात और त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अगर हम त्रिभुजों की कुल संख्या की बात करें तो 49 प्लस सात करोगे तो कितना हो जाएगा, 56, यानी कि यहाँ पे आपको 56 टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगली पूछी गई आकृति के बारे में। तो इस यदि मैं आकृति की बात करूं तो देखो, आपको एग्जाम में दोनों ही प्रकार से आकृति देखने को मिलेगी, एक तो इस लाइन के साथ और एक इस लाइन के बिना, तो दोनों ही तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको हम लाइन के बिना डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि अगर हम लाइन के बिना पूछे इस आकृति में कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो ध्यान दीजिए हमें पता है एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इस हिस्से से मिल जाएंगे आठ और इस हिस्से से मिल जाएंगे आठ। फिर हम बात करें यदि इस हिस्से की, एक दो एक दो एक दो, इसको मैं अलग कलर से कलर कर दे रहा हूं, चलो। तो हमें पता है तीन मिल जाएंगे हमें इस हिस्से से, तीन मिल जाएंगे हमें इस हिस्से से और तीन मिल जाएंगे हमें इस हिस्से से, चलो ऐसे लिख देते हैं। क्लियर, तो आठ आठ सोलह और नौ कितने हो गए, 25, यानी कि अभी तक हमें कितने ट्रायंगल्स मिल गए, 25। अब यहाँ पे इन आकृतियों को जब हम देखेंगे तो कंबाइंड रूप से हमें कौन कौन से यहाँ पे ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए एक तो हो गया ये, क्लियर, और एक हो गया ये, तो कितने और मिल गए, दो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चल तो एक हो गया ये और एक हो गया आपका ये, तो कितने और मिल गए, दो। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी बन रही है, तो त्रिभुजों की कुल संख्या यहाँ पे बन रही है कितनी, 29। इसके अलावा आपको कोई और अतिरिक्त त्रिभुज बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस लाइन को हम कंप्लीट कर दें तो यहाँ पे कितने अतिरिक्त त्रिभुजों का निर्माण होगा, तो सबसे पहले तो ध्यान दो एक दो यानी कि इस हिस्से से तीन और मिल जाएंगे, तो 29 में क्या करोगे, तीन और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 32। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखो, एक तो त्रिभुज आपका ये वाला हो जाएगा एक्स्ट्रा वन और दूसरा ये वाला हो जाएगा एक्स्ट्रा टू, तो कितने और जोड़ दिए हमने, प्लस टू। क्या इसके अलावा भी कोई अतिरिक्त त्रिभुज बनेगा, तो जी हाँ, ध्यान दीजिए इसके अलावा भी आपको दो और अतिरिक्त त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे, एक हो जाएगा ये वाला और एक हो जाएगा ये वाला। क्लियर, यानी कि दो और त्रिभुज यहाँ पे आपको बनते हुए दिखाई देंगे। त्रिभुजों की कुल संख्या की हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएंगे कितने, 36। अब इसको मैं सेपरेट, यानी कि जब इस लाइन के साथ हम बनाएंगे तो सेपरेट आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे हम लोग काउंटिंग करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, आठ इस हिस्से से, आठ इस हिस्से से, फिर देखिए तीन इस हिस्से से,
तीन इस हिस्से से, तीन इस हिस्से से और तीन इस हिस्से से। यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी नंबरिंग कर दूं तो वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। क्लियर? चलिए तो हमें पता है इस हिस्से से मिल जाएगा आठ, इस हिस्से से मिल जाएगा आठ, इस हिस्से से मिल जाएगा तीन, इस हिस्से से तीन, इस हिस्से से तीन और इस हिस्से से तीन। तो 16 के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने मिल गए, 12। यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 28। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 28। 28 के बाद अगर मैं बात करूं तो देखो 29, 30। इसके बाद अगर मैं बात करूं 31, 32, 33 और एक ये वाला 34। यहां से मिलेंगे आपको चार त्रिभुज। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 35 और ये 36। तो यहाँ पे आपको टोटल कितने ट्रायंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे आपको 36 ट्रायंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? चलिए तो लाइन के बिना पूछेगा तो 29, लाइन के साथ पूछेगा तो 36। बात कर लेते हैं अगली पूछी गई आकृति की। तो इस आकृति की अगर मैं बात करूं तो इस हिस्से से अपने को पता है कितने त्रिभुज मिलेंगे, तो इस हिस्से से मिल जाएंगे हमें 16 त्रिभुज। इस हिस्से की बात करूं तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन और चार। तो हमें पता है प्रत्येक हिस्से से हमें कितने मिल जाएंगे, 10 त्रिभुज देखने को मिलेंगे। यानी कि इन चार हिस्सों की बात करें तो हमें कितने त्रिभुज मिल जाएंगे, 40। यानी कि 40 प्लस 16 कितने हो गए, 56। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं एडिशनल बनने वाले ट्रायंगल्स की तो ध्यान दीजिए एडिशनल आपको कौन कौन से यहां पर ट्रायंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक, ये हो जाएगा आपका दो। इसी प्रकार आप देखेंगे तीन चार। क्लियर? और इसी प्रकार आप देखेंगे पांच और छः, और इसी प्रकार आप देखेंगे तो ये हो जाएगा सात और ये हो जाएगा आपका आठ। यानी कि आठ यहाँ पे आपको अतिरिक्त त्रिभुजों का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्लस एट कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 56। प्लस एट करोगे तो 64 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको देखने को मिलेंगे दी गई आकृति में। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं हम इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि उस मॉडिफिकेशन के फलस्वरूप हमें यहाँ पे कितने अतिरिक्त त्रिभुजों का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस आकृति की बात करें हम तो अभी तक हमें यहाँ पे कितने मिले थे, 64 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिले थे। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब यहाँ पे नई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो केवल और केवल 64 के बाद बनने वाले त्रिभुजों की मैं यहाँ पे काउंटिंग करने वाला हूं। तो एक दो तीन चार, चार तो आपके ये वाले ट्रायंगल हो जाएंगे। यानी कि कितना हो रहा है 64 के बाद, प्लस 4। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए एक दो तीन और चार, तो चार आपको ये वाले मिल गए। क्या इसके अलावा कोई और भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं? तो जी हाँ, इसके अलावा भी आपको ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कौन से हैं? तो ध्यान दीजिए कलर में यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। एक, इसी प्रकार ये हो गए कितने, दो। और अगर आप ध्यान दें तो ये हो गया आपका
और ये हो गया आपका चार, यानी कि चार और यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं। तो 64 प्लस कितने मिल रहे हैं हमें, 12 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल की हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो करना कुछ नहीं है, हमें बेसिक अप्रोच पता है और कहीं ना कहीं आपको कंबाइंड फॉर्म में इमेजेस देखने को मिल रहे हैं, आपको फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको बेसिक पता है तो आप इन आकृतियों में आसानी से गणना कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अगले पूछी गई आकृति की। चलिए अगली यदि हम आकृति की बात करें तो देखते हैं यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी मिल रही है। तो हमें पता है कि इस हिस्से में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो इस हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भागों में विभाजित है, यानी कि यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। जबकि हम इस हिस्से की बात करें तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। तो इस हिस्से की बात करें तो 6 यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ पे हो गए और 6 यहाँ पे हो गए। यानी कि हम बात करें 16 प्लस 24 की तो हमारे पास 40 ट्रायंगल अभी तक हमको देखने को मिल रहे हैं। अब इसके अलावा अतिरिक्त कौन कौन से त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, तो इसके बारे में बात करें तो ध्यान दो, हर एक पॉइंट से आपका एक त्रिभुज का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई देगा, ये हो जाएगा आपका एक। इसी प्रकार हम बात करें दो, इसी प्रकार हम बात करें तीन, और ये आप देख सकते हैं चार। तो हर एक पॉइंट से आपके एक ट्रायंगल का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इन ट्रायंगल को अलग अलग रंगों से रंगू तो देखिए, तीन और एक ये चार। क्लियर? तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको चार और ट्रायंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे अगर त्रिभुजों की कुल संख्या की तो प्लस 4 कर दोगे यानी कितने हो जाएंगे, 44 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको देखने को मिलेंगे दी गई आकृति में। क्लियर? चलिए कुछ और आकृतियों की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जब हम इस प्रकार से दो ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, तो त्रिभुजों की कुल संख्या की हम बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 तो हो गए ये आपके ट्रायंगल, साथ ही साथ हम देखें तो 2 हो गए आपके ये बड़े वाले त्रिभुज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें त्रिभुजों की कुल संख्या की तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6 प्लस 2 विच विल बी इक्वल्स टू 8, यानी कि यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें अगली आकृति की तो ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 तो हो गए आपके वन फिगर से बनने वाले ट्रायंगल, यानी कि वन फिगर ट्रायंगल्स की बात करें तो कितने हो गए, 12 हो गए। इसके बाद बात अगर हम करें तो देखो, हर एक पॉइंट से फोर फिगर के आपका एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, एक, दो, तीन, चार, पांच और छः। तो 12 के बाद आपने देखा कि फोर फिगर से बनने वाले आपके ट्रायंगल्स कितने हैं, 6 हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे त्रिभुजों की अभी तक कुल संख्या कितनी हो गई, 12 प्लस 6। क्या इसके अलावा भी कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके अलावा आपके दो बड़े ट्रायंगल यानी कि ये वाले एक और एक ये वाला यानी कि +2। तो इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 20। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगली पूछी गई आकृति के बारे में।
इस आकृति की अगर हम बात करें तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और इसको मान लेते हैं एक्स। तो अगर हम यहां पे वन फिगर ट्राइंगल की बात करें तो यहां पे कितने बन रहे हैं, एक से लेकर के 5 तक में आपको मिल रहे हैं कितने, 5 ट्राइंगल। फिर यहां पे आपको 3 फिगर से बनने वाले मिलेंगे कितने ट्राइंगल, तो 5 ट्राइंगल मिलेंगे। 3 फिगर के 5 ट्राइंगल कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखो 5 एक्स और 2 को मिलाओगे तो एक ट्राइंगल, फिर 1 एक्स और 4 को मिलाओगे तो 2 ट्राइंगल, फिर 3 एक्स और 5 को मिलाओगे तो 3 ट्राइंगल, फिर 4 एक्स और 2 को मिलाओगे तो 4 ट्राइंगल, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें 4x, 1, 5x, 3, 1x, 3, 1x और 3 को मिलाओगे तो 1। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 5 आपके बन रहे हैं 3 फिगर से ट्रायंगल और 5 आपको 1 फिगर वाले ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो 1 फिगर वाले तो क्लियरली आपको दिखाई दे ही रहे, 3 फिगर वाले देख लो, सबसे पहले 5x और 2, 5x और 2 को मिलाए तो एक ट्राइंगल, फिर ध्यान दो 1x और 4 को मिलाए तो एक ट्राइंगल, फिर अगर हम बात करें यहां पे 3x और 5 को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल, फिर अगर हम ध्यान दें तो 4x और 2 को मिला लेते हैं, यानी कि ये, और फिर अगर हम बात करें तो 1x और 3 को मिला लेते हैं, तो इस प्रकार से आपको यहां पे 5 ट्रायंगल बनते हुए दिखाई देंगे। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन करें तो ध्यान दीजिए, अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फाइंड आउट कर पाना कि यहां पे त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। क्लियर, तो चलिए यहां पे देखते हैं त्रिभुजों की कुल कितनी संख्या में मिलने वाली है। तो फटाफट से यहां पे क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और x। तो सबसे पहले यहां पे मैं बात कर लेता हूं 1 फिगर से बनने वाले ट्राइंगल्स की। तो अगर हम 1 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की बात करें तो देखो 1 से लेकर के 10 तक में आपको मिल जाएंगे 10 ट्रायंगल्स, यानी कि 1 फिगर से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 10 त्रिभुज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पे 2 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की, तो ध्यान दीजिए 1 और 2 को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल, इसी प्रकार 2 और 3 को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल, इसी प्रकार हम अगर यहाँ पे 3 और 4 को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल, इसी प्रकार यहाँ पे हम 4 और 5 को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल, फिर 5 और 6 को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल, 6 और 7 को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल, 7 और 8 को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल, 8 और 9 को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल, 9 और 10 को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल, और 10 और 1 को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 4, 4, 8 और 2, 10, यानी कि यहां पे भी आपको कितने ट्रायंगल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, 10। क्लियर, ये हो गए आपके 10 दो फिगर से बनने वाले त्रिभुज, यानी कि त्रिभुजों की संख्या अभी तक कितनी होगी हमारे पास, तो हो गई 20। अब इसके बाद हम बात करेंगे 3 फिगर से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या की, यानी कि 3 फिगर से बनने वाले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1, 2, 3 कितने हो गए, 3, फिर हम सॉरी 1, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे देखो 3, 4, 5 कितने हो गए, 2, फिर हम बात करेंगे 5, 6, 7 कितने हो गए, 3, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 7, 8, 9 कितने हो गए, 4, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे 9, 10 और 1 कितने हो गए, 5, और 5 अभी जो हमने बनाए थे, 5 अभी जो हमने बनाए थे कौन कौन से बनाए थे, तो देखो यहाँ पे हो जाएंगे, इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूं। चलो तो एक तो बनेगा 10x और 4, एक बनेगा आपका 10x और 6,
एक बनेगा आपका 2x और 8, एक बनेगा आपका 2x और 6, और एक बनेगा आपका 4x और 8। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि थ्री फिगर से बनने वाले नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो यहां पे कितने बन रहे हैं, 10। यानी कि तीन आकृतियों को मिलाकर के त्रिभुजों की अगर हम संख्या की बात करें तो कितने हो रहे हैं, 10। अब यहां पे आपके पांच आकृतियों को मिला के पांच नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे, तो वो ट्रायंगल कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं। तो चलो अब हम लोग बात कर लेंगे यहां पे फाइव फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पे हो जाएगा 6 यानी कि 10 एक्स 6 टू 1 एक। फिर हम बात करें 2 3 4, 2 3 4 एक्स और 8। फिर हम बात करें 4 5 6, 4 5 6 एक्स और 10। फिर हम बात करें 6 7 8 एक्स और 2। फिर हम बात करें 8 9 10, 8 9 10 एक्स और 4। यानी कि पांच आपको फाइव फिगर वाले ट्रायंगल्स दिखाई देंगे। तो अगर मैं बात करूं यहां पे कुल त्रिभुजों की संख्या की, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो पांच मिल गए हमें यहां से, और 10 मिल गए हमें वन फिगर वाले, 10 मिल गए हमें टू फिगर वाले, और 10 मिल गए हमें थ्री फिगर वाले। तो टोटल अगर हम बात करें यहां पे तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो टोटल बन रहे हैं यहां पे 35 ट्रायंगल। तो जिन लोगों को भी यहां पे देखो फटाफट से हम यहां पे ड्रॉ करके भी देख लेते हैं इन सभी त्रिभुजों को वन बाय वन। देखो एक फिगर वाले दो फिगर वाले तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने ऑलरेडी नंबर लिख दिया। थ्री फिगर वाले भी मैं आपको बता चुका हूं, अतिरिक्त तो जो बने यहां पे नंबर लिख दिया हूं। केवल फाइव फिगर वाले को मैं यहां पे ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहा हूं। तो देखो ये हो गया आपका एक, ये हो गया आपका दो, ये हो गया आपका तीन, ये हो गया आपका चार, और ये हो गया आपका पांच। तो ये फाइव फिगर वाले आपके पांच ट्रायंगल कौन कौन से थे ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार से यहां पे कुल त्रिभुजों की अगर मैं संख्या की बात करूं तो कितने बन रहे हैं, 35। तो ये तो हो गई बात कॉन्सेप्ट की, और नेक्स्ट क्लास की अगर बात करूं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करना, यानी कि उस पर बेस्ड हम लोग कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। फिर हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का भी डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ नंबर ऑफ सर्कल्स और नंबर ऑफ लाइंस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, और वहां पे देखेंगे कि ये अप्रोच कितना हेल्प कर रहा है आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करें, यानी कि हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स चैप्टर की, कि कितना आप आसानी से क्वेश्चंस को हल कर पा रहे हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।